अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं स्टीम चिकन रोस्ट विदाउट ओवन। तो यहाँ मैंने लिया है 900 बोल लें या 1 किलो पूरा बोल लें चिकन होल लिए स्किन के साथ। एक कप, आधा कप के करीब मैंने यहाँ पे दही लिया, लेकिन देखिए इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ड्राई किया हुआ मैंने खाली दही निकाल लिया है। रेड चिली पाउडर है, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, ब्लैक पेपर का पाउडर है और धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, सिरका है और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। और यहाँ छोटी छोटी 2 प्याज रख ली है हमने, ये चिकन को जब मैरिनेट करेंगे तो उसके अंदर फिर हम इस प्याज को अंदर रखेंगे। चलें तो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर डालूंगी, ये पूरा 1 टेबल स्पून है। धनिया पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर इसमें 1/2 टीस्पून के करीब जाएगा, जीरा पाउडर इसमें 1 टीस्पून जाएगा, ब्लैक पेपर इसमें 1/2 टीस्पून। और हल्दी भी हम इसमें 1/2 टीस्पून ही रखेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। मैं भी 1/2 टीस्पून ही रखूंगी, फिर मैं चेक करूंगी कि कम हुआ तो और डाल देंगे। दही देखें यहाँ पे 3 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे मैंने दही लिया है, ज्यादा नहीं है लेकिन बिल्कुल खुश्क पानी वाला नहीं लेना हमने। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, कोशिश करें ये सारी चीजों में पानी ना हो। सिरका हम डालेंगे 1 टीस्पून। सिरका नहीं है आपके पास तो लेमन जूस भी इसकी जगह आप ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सबको मिक्स करेंगे अच्छे से। लेकिन जिस तरह मैं मिक्स कर रही हूं ना वैसे ही करिएगा ये, ताकि ये इसके दही के लम्स ना आए। अभी इसमें मैं जर्दे का रंग थोड़ा डालूंगी इसमें, तो ये 1/2 टीस्पून से भी कम है, मतलब जस्ट हमें इसको कलर देना है। कम लगे तो थोड़ा और ऐड कर लीजिएगा। अब मैंने इसमें जर्दे का रंग डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। देखें इसके अंदर नमक कम जाएगा, वो क्यों जाएगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बता। ये मैंने देखें इसके अंदर अच्छी तरह से बड़े बड़े कट लगा लिए ताकि मसाला अच्छे से इसमें चला जाए। ये देखें मैं फिंगर कैसे अंदर करके इसको मसाले को लगा रही हूँ इसके अंदर। देखें मैंने कैसे इसको मसाला कर रही हूँ, इसके अंदर लगा रही हूँ। इसको पलट के भी लगाएं रानों की तरफ, जहां जहां आपको लगे कि मसाला पकने में देर ले सकती है वहां अच्छी तरह से कट लगाएं। बैक्स पे भी मैंने अच्छी तरह कट लगा लिया है। ये देखें मामूली सा मैं ऑयल डालूंगी, ज्यादा नहीं डालना, जैसे 1/2 टीस्पून टाइप का। 1/2 टीस्पून के करीब आप ऑयल डालें, क्योंकि ये चिपक चुपके ना, क्योंकि स्किन वाली है इसमें वैसे ऑयल की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये चिपके ना इसलिए मैंने इसके अंदर ऑयलिंग करी है। अब ये देखें मैं इसके अंदर अनियन अंदर रख रही हूँ, इसके अंदर रख दें, इसी में ये अनियन भी पके। मैंने यहाँ कोयला गरम कर लिया था, मैं कोयले का धुआं दूंगी इसके अंदर और इसको कवर कर दूंगी। बस ये कवर रहेगा 1 घंटे तक, 1 घंटे तक कवर रहेगा, उसके बाद हम देखेंगे। लौट के आते हम लोग 1 घंटे बाद।
अब देखे मैंने इसको एक घंटा फ्रिज में अच्छी तरीके से रखा था कोयले के धुएं के साथ, और इसमें मैंने टमाटर भी रख दिए थे और थोड़ी ये जो हरी मिर्चें वो भी उसी में रख दी थी ताकि इनको भी थोड़ा सा धुआं मिल जाए कोयले का। एक घंटे के बाद मैंने ये चिकन निकाली। अब देखे हमने ये जो नीचे उसकी स्किन लटक रही थी हमने उसमें कट लगा दिया था। ऐसे हम क्रॉस में इनके पैरों को आपस में मसाला लगा हुआ है। हाँ स्लिप हो रहा है। टेक योर टाइम। अभी जा रहा है ये दिमाग गया। सुराग तरह छोटा रखा है क्योंकि वो हाँ होगा तो वापस निकल आएगा। पकने में निकल आएगा वरना अगर हाँ। आप लोग भी बड़ा करेंगे तो पकने में निकल सकता है। निकल सकता है। अगर ये ना आए आपको करना तो आप इसको खाली डोरी से भी बांध सकते हैं। मैंने इसको देखें इसको पार्सल में हमने इसको फिट कर दिया है। टमाटर को साइड में ऐसे लगा दें, हरी मिर्चों की भी जगह बना के उसको भी फिट कर दें। अब ऐसे इसके ऊपर आप फॉइल लगा दें, नहीं तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा बाउल है कुछ है जो कि हीट से हो उसको कुछ होता नहीं है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। मैं इसको पार्सल में बनाना सिखा रही हूँ। अच्छे से पैक करिएगा। हो गया। अब इसमें फोक से सुराख करेंगे हम थोड़े से हल्के हल्के मार दें। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि अंदर जो स्टीम जो भी है हीट वीट जो उसका पानी बनता है वो उड़ना शुरू हो जाए और चिकन हमारी पके। ये रेडी है। अब देखें मैंने इस पॉट के अंदर नमक डाल के रखा हुआ था और स्टैंड देखें कितना हमने पूरा डिबोया नहीं है उसके अंदर। यहाँ मैं फ्लेम ऑन कर रही हूँ और फ्लेम को अभी हम इसको 5 मिनट हल्का सा प्रीहीट करेंगे फिर उसके बाद इस पार्सल को रखेंगे। अभी इसको हमने इसमें रख दिया है स्टैंड लग गया ग्लव्स पहन के रख लेते। कोई बात नहीं। अब इसको हम रख अब देखें हमने इसके अंदर इसको रख दिया है और अभी हमें इसको कवर करूंगी मैं और जो उसके सुराख हो जहां से भी इसकी एयर निकलने का हमें हो उस जगह आप आटा लगा के उसको कवर कर लें। तो अभी इसको रख के हम आधा घंटा इसको हम इसको स्टीम में रखेंगे। अभी देखिए मैंने इसको कवर उतार दिया है। ये देखिए किस तरह ये अंदर से पक रही है। बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है। मैं इसमें से टोमेटो बाहर निकालूंगी ताकि टमाटर बहुत ज्यादा अपना पानी छोड़ेगा तो वो बाहर निकल के आ सकता है तो इसमें से हम टमाटर निकालेंगे। लेकिन टोमेटो नरम हो गए हैं जब जो मकसद था वो पूरा हुआ। हाँ टोमेटो का पूरा हो गया। अब देखिए मैंने इसमें से टमाटर इसमें से निकाल लिए कितने अच्छे हो गए टमाटर और मैंने हरी मिर्चों को डुबो दिया सही से क्योंकि अंदर से वो अपना देखे ये मैंने स्किन वाली ली हुई थी तभी मैंने आपको कम डाले हुआ था। इसमें तेल बहुत ही मामूली सा डालिएगा देखिए कैसे इसका अपना तेल वेल पानी वानी छूट रहा है। इसी में ये चिकन अंदर रोस्ट होगी पकेगी और अब फॉइल दोबारा नहीं लगेगा। इसको जस्ट मैंने इसका लिड लगा के कवर करना है और आधे घंटे के बाद देखेंगे। ऊपर से आप नोट करते रहिएगा जब इसका कलर चेंज होने लगेगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अब देखिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। वाह क्या खूबसूरत कलर आया। लेकिन देखें वो फिर भी उसके अंदर बुलबुले हैं अभी भी मतलब ये है अभी सॉल्ट नमक मैंने इसीलिए आपको चिकन में कम रखने को बोला है क्योंकि जब नमक में पकेगी ना वो नीचे से तो एक अंदर एक स्टीम सी बन जाती है नमकीन सी तो वो चिकन को नमकीन ऑलरेडी कर देती है। अभी मैं इसको 2-4 मिनट इसी में पड़ी रहने दूंगी और फिर उसके बाद मैं इसको डिश आउट करूंगी। तो अभी देखिए हमारी ये चिकन तैयार हो चुकी है। चिकन स्टीम रोस्ट करी है हमने विदाउट ओवन और आप लोग भी इसी तरह से करें मेरे स्टेप्स को फॉलो करें। देखें मैंने स्टार्ट में पहले आपको दिखाया था किस तरह हमने फॉइल को अच्छी तरह से लगा के इसको स्टीम में रखा 15-20 मिनट। आप इसको ऐसे ही पकाइएगा कवर करके देन फिर उसके बाद आप इसका जो फॉइल है वो रिमूव कर दीजिएगा और खाली लिड कवर करके इसको पकाइएगा। तो जो मसाला हमने क्या लोग क्या करते हैं स्टैंड के ऊपर डायरेक्ट चिकन रख देते हैं मसाला लगा के उससे वो सारा इसका जो मसाला निकल रहा होता है वो सब बह रहा होता है फालतू जाया हो जाता है। अभी इसका जो ऑयल वगैरह जो भी कुछ था हमने फॉइल में जो रखा था पार्सल में वो उसी में उसमें कुक हुआ है ये और टेस्ट वहीं का वहीं बरकरार है हमने उसको खुश किया था बिल्कुल। तो ये तैयार हो गई है। आप लोग भी घर में ट्राई कीजिए फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखें बेहतरीन अंदर तक चिकन पक चुकी है
और घर में ट्राई करें, बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मरीम देसी फूड को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।